हाय फ्रेंड, दिस इज एजे, यू आर वाचिंग बॉडी ट्रेनिंग टिप्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्राइसेप और बाइसेप का वर्कआउट बताऊंगा। जैसा कि हमारे चैनल पे सीरीज जारी थी टू पार्ट ट्रेनिंग की, बहुत माजर चाहता हूँ अपनी फैमिली के साथ कि वीडियो लेट हुई है, कुछ मसरूफियत की वजह से वीडियो लेट करनी पड़ी। मुझे लेट करनी नहीं चाहिए क्योंकि हमारा ये पूरा एक सीरीज चल रही है। तो आज की इस वीडियो में बाइसेप ट्राइसेप का आपको वर्कआउट बताऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जल्द से जल्द इस चैनल को जो है 100K पे पहुंचाएं, क्योंकि मैं जो है वो गिव अवे करने वाला हूं अपने चैनल का, जिसमें हम कुरंदाजी करके किसी भी लड़के के लिए प्रोटीन जो है वो गिव अवे करूँगा। प्रोटीन हम निकालेंगे तो मैं आपको वो आपके एड्रेस पर सेंड करूँगा। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी लड़के प्रोटीन नहीं खरीद सकते, लेकिन उनकी हेल्प के लिए मैंने सोचा चलो अगर मैं हर महीने गिव अवे करता हूँ तो किसी ना किसी की हेल्प हो जाएगी और उसको एक प्रोटीन का बैग मिल जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये लोगों तक वीडियो पहुँचे और लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आज मैं आपको बाइसेप और ट्राइसेप का वर्कआउट बताऊंगा अकॉर्डिंग टू साइंस। जैसा कि जो है वो एक मतलब साइंस कहती है कि अगर आप इस तरीके से वर्कआउट करते हैं बाइसेप ट्राइसेप का तो आपकी ग्रो होती है, क्योंकि काफ़ी लड़कों को ये ज़्यादा मसला रहता है कि उनका बाइसेप ट्राइसेप जो है वो ग्रो नहीं होता, या फिर अगर किसी का बाइसेप ग्रो हो रहा है तो उसका ट्राइसेप नहीं ग्रो हो रहा, अगर किसी का ट्राइसेप ग्रो हो रहा है तो उसका बाइसेप नहीं ग्रो हो रहा। उसका रीज़न ये है कि वो एक एंगल से वर्कआउट नहीं करते, उसको प्रॉपर तरीके से नहीं लगाते। आज मैं आपको कुछ ही वर्कआउट बताऊँगा लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। उनके जो है रेपिटेशन, उनके जो सेट्स हैं वो किस तरह से लगाने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वर्कआउट लगा के आपको दिखाता हूं कौन कौन से वर्कआउट लगाने हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अगर चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है इंस्टाग्राम का, जाके वहां पर मुझे फॉलो करें। आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं ट्राइसेप का पहला वर्कआउट। पहला वर्कआउट जो हम फ्रेंच प्रेस और जो है वो क्लोज ग्रिप प्रेस लगाएंगे। ट्राइसेप का वर्कआउट वो हम एक ही बारबल पर लगाएंगे, वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। हमारा जो हैमर बारबल है वो हमने लिया है, इसके हमने टोटल 4 सेट लगाने हैं। पहले हम वो लगाएंगे, साथ ही हम ये लगाएंगे। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, दो दो तीन तीन रिपीटेशन लगा के दिखाता हूँ आपने एंगल अपना किस तरह से रखना। सबसे पहले हम फ्रेंच प्रेस लगाएंगे, इसमें आपने वेट 10 केजी प्लेट्स दोनों तरफ लगानी है। अपनी एल्बोस को आपने अंदर की तरफ रखना है और बिल्कुल बाजों को स्ट्रेट रखना है और आपके बिल्कुल सर के ये पीछे आएगा स्लो स्लो। 1, 2, 4, 10 रिपीटेशन आपने इस तरह से लगाने हैं। जब 10 रिपीटेशन कंप्लीट हो जाए फिर आपने इसको क्लोज ग्रिप में 10-10 रिपीटेशन लगाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आपने 10-10 रिपीटेशन लगाने हैं। इसके आपने 4 सेट लगाने हैं। अब मैं आपको दूसरा वर्कआउट बताता हूँ कौन सा आए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं ट्राइसेप का दूसरा वर्कआउट। पहले हम ट्राइसेप को ट्रेन करेंगे फिर हम बाइसेप को ट्रेन करेंगे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो ट्राइसेप का हम दूसरा वर्कआउट स्टार्ट करते हैं सिंगल साइड ट्राइसेप एक्सटेंशन। ये आपने ग्रिप ले लेनी है, इस ग्रिप के साथ आपने बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होके 1, आपकी एल्बोस बिल्कुल मूव नहीं करनी चाहिए। 2, 3, 4 बिल्कुल आपने इसको स्ट्रेट करना है। 5 और इसको स्लोली वापस लेके ना, एल्बो आपकी बिल्कुल मूव नहीं करनी चाहिए। इस ये आपने एक साइड लगा के फिर आपने साइड ही दूसरी साइड का लगाना है। 15-15 रिपीटेशन करने हैं आपने दोनों आर्म्स के और इसके आपने 3 सेट लगाने हैं। इसके बाद आपका ये सेट खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो तीसरा वर्कआउट है ट्राइप का, जो लास्ट वर्कआउट है ट्राइसेप का, वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कौन सा आए। जो हमारा लास्ट वर्कआउट है ट्राइसेप का वो भी ट्राइसेप एक्सटेंशन है, लेकिन इसमें आपने ग्रिप जो है वो स्ट्रेट लेनी है। पहले हमने सिंगल सिंगल आर्म का वर्कआउट किया था, ये मैं साथ साथ आपको लगा के दिखाता हूँ, साथ साथ आपने करना है। इसमें वेट आपने फुल हैवी रखना है और इसके आपने 12 रिपीटेशन लगाने हैं स्लो स्लो। 1, 2, 3, 4 इस तरह से आपने लगाना है। इसके 12 रिपीटेशन लगाने हैं, इसके 6 सेट लगाने हैं। हर सेट में वेट आपका एक जितना ही रहेगा और जो आपके सेट होंगे वो आपने 6 लगाने हैं। हर सेट में आपका रिपीटेशन जो है वो 12 ही रहेगा। तो हमारा ये जो है ट्राइसेप का वर्कआउट खत्म हो गया। आए मैं आपको बाइसेप का वर्कआउट करके दिखाता हूँ, वो भी हमारे 3 ही वर्कआउट हैं, सिर्फ लगा के मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा है। आए आपका ट्राइसेप का जब वर्कआउट खत्म हो जाए उसके बाद आपका बाइसेप का वर्कआउट स्टार्ट होता है। बाइसेप के वर्कआउट में आपने सबसे पहले डंबल हैमर कर लगाना है। डंबल हैमर कर मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। वेट इसमें आपने मैक्सिमम लेना है, 15 रिपीटेशन करने हैं। वो किस तरह से करने हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आपके 10 रिपीटेशन आ जाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट। 1, 2 आपका बाइसेप फुल स्ट्रेच और फुल स्क्वीज होना चाहिए। 3 आपने पहले 10 रिपीटेशन फुल लगाने, फिर आपने 1, फिर आपने सिंगल सिंगल लगाने। 2 ऐसे आपने सिंगल सिंगल 5 रिपीटेशन करनी है। इसके टोटल आपने 4 सेट लगाने हैं। एक सेट में 15 रिपीटेशन करने हैं, 10 रिपीटेशन वो आपने डबल लगाने हैं और जो 5 रिपीटेशन होंगे लास्ट वो आपने सिंगल सिंगल लगाने हैं। ये भी हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो गया है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा बाइसेप ट्राइसेप्स के रिलेटेड, आपने अपना वर्कआउट चेंज भी करना है। तो आए मैं आपको बाइसेप का दूसरा वर्कआउट लगा के दिखाता हूँ कौन सा। तो बाइसेप का जो हमारा दूसरा वर्कआउट है वो हमने बारबल कर लगाना है। बारबल जो है वो आपने लेना है थोड़ा बड़ा जो वाइल्ड होगा। इसमें आपने
तकरीबन 8-8 kg वेट लगाना है। अगर तो आप 10-10 kg लगा सकते हैं, मतलब टोटल 20 kg, तो बेस्ट है। अगर आप 20 kg नहीं लगा सकते तो कम से कम आपने 8-8 kg लगाना है। स्ट्रेट खड़े होके 1, 2, 3, 4 देखें, इसके आपने 12 रिपीटेशन लगाने हैं। और फर्स्ट टाइम जो आपने वेट लगा लेना है, लास्ट तक आपने वही वेट लगाना है। इसके आपने 6 सेट लगाने हैं। 4 सेट हमारे उसके हो गए, 6 सेट हमारे इसके हो गए। इसके आपने 6 सेट लगाने हैं तो आपका ये बाइसेप का वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको लास्ट वर्कआउट बताता हूँ आपने जो आर्म्स का वो कौन सा करना है, जिसमें आपकी 4 आर्म भी इंक्लूड होगी। तो आर्म्स का मैं लास्ट वर्कआउट बताता हूँ जिसमें आपकी 4 आर्म भी इंक्लूड होगी, आपका ट्राइसेप, आपका बाइसेप, आपका ब्रैकालिस मसल भी इंक्लूड होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। तीसरा आपने वर्कआउट ये करना है, फिर इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि आपने आर्म की जो मैंने आपको टिप्स देनी है वो मैं आपको दूंगा। तो आपने बार बार रिवर्स कर लगाना है, इसको आपने अपने शोल्डर के बिल्कुल सामने से ग्रिप कर लेना है और 1, 2, 3 स्लोली आपने इसको नीचे लेके जाना है। इसके आपने 12 रिपीटेशन लगाने हैं और इसमें आपने वेट मतलब इतना हैवी रखना है कि आप जो है वो आराम से 12 रिपीटेशन लगा लें। इसके आपने टोटल 4 सेट लगाने हैं। तो बाइसेप का ट्राइसेप का जो वर्कआउट है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपने देखिए दोस्तों क्या करना है, एक वीक आपने इस तरह से वर्कआउट करना है। जो नेक्स्ट वीक आपका जब बाइसेप ट्राइसेप का वर्कआउट आएगा उसमें आपने बाइसेप और ट्राइसेप को एक साथ ट्रेन करना है। मतलब जैसे हमने पहला वर्कआउट किया फ्रेंच प्रेस और साथ हमने क्लोज ग्रिप प्रेस जो है वो किया, उसके साथ आपने हैमर कर डमर हैमर कर लगाना है। फिर इस तरह से जो जो मैंने वर्कआउट बताया बाइसेप का उसको आपने अपने ट्राइसेप के फर्स्ट वर्कआउट के साथ, मतलब फर्स्ट जो ट्राइसेप बताया वो फर्स्ट जो बाइसेप बताया वो, इन दोनों को आपने एक साथ मिला के वर्कआउट करना है। फिर जो नेक्स्ट जो मतलब आपका जो थर्ड टाइम वर्कआउट आएगा फिर आपने उसको सिंगल सिंगल में आपने वर्कआउट करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे जो है वो अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, 100K जो है सब्सक्राइबर पूरे करें ताकि प्रोटीन का गिव अवे करें। इसके अलावा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें मेरी मोटिवेशन के लिए। और जो है वो नीचे लिंक इंस्टाग्राम का दिया डिस्क्रिप्शन में, अभी जाएँ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें क्योंकि मैं जितनी भी अपडेट होती है इससे मुतलका वो मैं वहीं पर करता हूँ। तो जाएँ मुझे जाके फॉलो करें। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड बाय।